हाय, आई एम फरहान और मैं निकल चुका हूँ मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप पे। एंड थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इंटरनेशनल जाया जाए। सो या आई विल बी ट्रैवलिंग टू थाईलैंड, लाइक एवरी इंडियन ऑलमोस्ट। मैं थाई एयरवेज से ट्रैवल करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट लाइक प्रीमियम इकोनॉमी टाइप होता है उनका पूरा, लाइक फुल ब्लोन मील वगैरह सब। बट रात के 1 बज रहे हैं अभी, लाउंज में तो पूरी पेट पूजा हो चुकी है। लेट्स सी, अभी तो बस जाके फ्लाइट में सोना है। चलो जी, बोर्डिंग चालू हो गई थी तो मैं निकल पड़ा। जैसे ही फ्लाइट के अंदर गया, इट वाज लुकिंग वेरी नाइस, प्रीमियम कलरफुल एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम था। वी गॉट अ ईयरफोन, पिलो, ब्लैंकेट, लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी थी। ये भाई मेरी सोनिया की एक्टिंग। बाकी हल्की सी बारिश आ रही थी एंड अंदर इन्होंने ये काफ़ी अच्छे पर्पल लाइट्स जलाए थे। एज सुन एज वी टुक ऑफ हमें मिल गया मील, जो कि काफ़ी सही था यार। मैंने मुस्लिम मील ऑर्डर किया था, सो वी गॉट फिश एंड एवरीथिंग, बहुत ही सही था। विद इन नो टाइम वे वर इन इंटरनेशनल वाटर्स। हमें पीने के लिए उन्होंने एप्पल जूस दिया। बाकी मैं सो गया एंड जैसे ही उठा, लैंडेड एट स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। सो दिस वॉज देयर बिजनेस क्लास। साफ सफाई चल रही है यहाँ पर। ऑलराइट, तो आपका भाई पहुंच चुका है फाइनली बैंकॉक में। इमिग्रेशन हो गया, बहुत ही स्मूथ था। कुछ सवाल जवाब नहीं, कुछ भी नहीं, फटाफट स्टैम्प लगा। और अभी कनेक्टिंग फ्लाइट है फुकेट की, तो वो कैच करते हैं। बोर्डिंग को थोड़ा टाइम था तो आई थॉट पहले ई सिम एक्टिवेट कर लेता हूँ। दिस वॉज देयर डोमेस्टिक फ्लाइट, ये भी काफ़ी सही थी। जैसे ही टेक ऑफ किया मैंने सोचा भाई सो जाता हूँ, बट उन्होंने सर्व किया एक कुछ पफ। मैंने पूछा हलाल है एंड दे सेड यस, तो मैंने ले लिया। जैसे ही हम लैंड होने वाले थे भाई साहब, द व्यूज़, मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर आपने कोई और एयरलाइन ली है तो बुक कर लो विंडो सीट। अगर थाई एयरवेज है तो फ्री में आप कर सकते हो। हमारे बैग्स बहुत सारे लोगों के आए नहीं है, टेस्ट तो मिलेगा नहीं अभी, तो पता नहीं अभी क्या करना है, वेट करूँ या जाऊँ, थोड़ा सा डायलमा में हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो स्मार्ट बस है जो कि मैंने ऑनलाइन देखी थी, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग टैक्सी या फिर वो जो मिनी वैन होती है, ये सबसे अच्छा मतलब आपको स्मार्ट बस जो है ओनली 100 बात में आपको डायरेक्ट पेटोंग बीच पे पहुँचा देगी, तो मैं वो ले लेता हूँ अभी के लिए। एंड लेट्स सी, उसके बाद वेट करूँगा। वेबसाइट पर कुछ और एग्ज़िट था, मतलब वहाँ पर लिखा था 3rd एग्ज़िट, बट मैं आया 8th एग्ज़िट से, पीछे दिख रही है देखो बस। तो देखते हैं, वहाँ पूछते हैं अभी कितने बजे निकलेगी। होपफुली अभी निकलेगी तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत सेटल तो हो जाऊंगा, बट आई विल नॉट बी एबल टू टेक शावर या कुछ भी। पहले मैंने सोचा ये स्मार्ट बस इतनी अलग क्यों लग रही है, बट दिस वॉज द स्मार्ट बस। सो यहाँ बसेस का भी झोल चल रहा है। पीछे अगर देखोगे तो वो तो एक जो सिटी वाली बस है वो सिटी को पहुंचाएगी, उससे पीछे एक बस है और एक सामने बस है, मैं बताता हूँ। सो बेसिकली ये मतलब जो बसेस है वो प्राइवेट है, तो उसमें भी जा सकते हो या फिर ये फुकेट स्मार्ट बस में भी जा सकते हो, मतलब कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। बट मैंने सोचा इसी में ट्रैवल करता हूँ क्योंकि ये शायद मुझे सही स्पॉट पर उतारेगी, उसका मुझे पता नहीं है क्योंकि इसी के रिव्यूज अपन ने देखे। तो ठीक है यार, अभी जाते हैं, बाकी बैग का देखते हैं क्या होता है। सो हमारा सफ़र हो गया चालू। काफ़ी खूबसूरत सड़कें थी यहाँ पे, मैंने देखी पहली 7-Eleven एंड भाई दिल खुश हो गया। एंड द सीनिक व्यूज वेर गुड मैन, बीचेस चालू हो गए ब्लू ब्लू भाई। तो बस ने थोड़ा हमें दूर उतारा है, बेसिकली 850 मीटर्स दूर है हॉस्टल। तो यहाँ पे मुझे पहला हलाल रेस्टोरेंट दिख गया है, तो ये ट्राई कर सकते हैं। थाई फूड, सी फूड, अरबिक फूड है। यहाँ पे और एक हलाल रेस्टोरेंट दिख रहा है, शवरमा, तुर्की बेस्ड रेस्टोरेंट है। मार्केट की तरह दिख रहा है ये, देखो भाई क्या रेस्टोरेंट बनाया, कितना मस्त लग रहा है। एंड दिस वाज माय हॉस्टल लवडी, इसके ज़्यादा डिटेल्स मैंने शेयर की है नेक्स्ट व्लॉग में। हॉस्टल में चेक इन कर लिया है, एक्चुअली रूम में थोड़े लोग हैं, थोड़ा उनसे इंट्रोडक्शन हुआ है, बट अभी वो जो ऑकवर्डनेस है, ये अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं तब तक वो फुली बैग भी आ जाएगा एंड देन फिर जाएंगे कहीं घूमने। तो भाई साहब यहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इंग्लिश ऑल दो टूरिस्ट लोकेशन है उतनी भी उनको समझ में आती नहीं है।
तो बेसिकली अभी मैंने उनसे बात की रिसेप्शन पे कि क्या हुआ, मेरा बैगेज कुछ आया या एक बार बात करोगे एयरपोर्ट से। तो उन्होंने कॉल किया एयरपोर्ट को, पहले तो जो दूसरी रिसेप्शनिस्ट थी वो समझ ही नहीं रही थी, फिर दूसरे एक बंदे ने कॉल किया एंड फिर उन्होंने बताया कि अभी भी और टाइम लगेगा क्योंकि बहुत लोगों के बैगेज डिले हुए थे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो भाई साहब आई थिंक देन मैं यहीं आज का दिन गुजार लूँगा, लगता है अपने नसीब में नहीं था ओल्ड टाउन घूमना, या फिर देखते हैं। अभी मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है, वैसे भी एक दिन मैंने सोचा था स्कूबा डाइविंग करूँगा, एक दिन आइलैंड्स टूर करूँगा, तो आज देखता हूँ अगर कुछ स्कूबा का मिलता है अपॉर्चुनिटी देन बुक करूँगा, अदरवाइज़ रहने देता हूँ फुकेट ओल्ड टाउन एंड थोड़ा सा खाना पीना एक्सप्लोर कर लेंगे। बाकी अभी आई एम वेरी वेरी हंग्री, सो पहले मैं जाऊँगा 7-Eleven और थोड़ा बहुत पेट पूजा करते हैं, वहाँ की कॉफ़ी वगैरह बहुत अच्छी है, तो विल हैव इट एंड रिव्यू भी करते हैं उसका। तो ये हॉस्टल के बाहर देखो भाई साहब, हर चीज़ है इनके पास फ्रूट में। बाकी ये बिल्डिंग किस चीज़ की है पता नहीं, तो ये कुछ एरिया है देखता हूँ मैं। इनके पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं फ्रेश फ्रूट का सब बन रहा है। भाई ये मुझे नहीं पता था आइस गोला थाईलैंड में भी मिलता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल इंडिया जैसी बंडी। ये है भाई थाईलैंड की सबसे फेमस चेन जहाँ पे आपको सब मिल जाता है। ये पता नहीं ये हलाल है नहीं है, विल चेक दैट, दिस इज़ वेरी फेमस। बाकी यहाँ पे ड्रिंक्स भी काफ़ी ज़्यादा है, ये मेजी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, सारे मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स है, विल ट्राई समथिंग। बाकी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, योगर्ट वगैरह हर चीज़ है, पानी के कैंस है बड़े बड़े बॉटल्स है। आई थिंक एक पानी का बॉटल लेता हूँ मैं, सस्ता वाला कोई है। मैंने डेली 7-Eleven से एक आइस लाटे, बहुत सस्ती है 35 बात में आ गई, तो ये पी रहा हूँ। बाकी यहीं पे एक टर्किश रेस्टोरेंट है, अभी आप पूछोगे थाईलैंड में आके टर्किश रेस्टोरेंट में क्या कर रहा हूँ, तो बेसिकली हलाल का मसला है, तो विल फाइंड थाई फूड भी हलाल, बट अभी के लिए तो टर्किश खाना खाते हैं। बाकी ये मैडम से पूछ रहा था कि फीफी वगैरह का कितना है, 1500 वगैरह बोल रहे हैं। बर्गर बहुत एक्सपेंसिव था बट स्टिल आई वांटेड टू ट्राई इट, क्योंकि टर्किश था और जनरली लाइक ऐसा टर्किश कुजीन काइंड ऑफ थिंग नहीं मिलता है, तो मैंने बोला चलो एक ट्राई कर लेते हैं। बाकी नॉट वर्थ इट मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरा ब्लैंड था लाइक इंडियन के टेस्ट से। उसने चिली सॉस दिया था बट अगेन उससे भी कुछ मज़ा आ नहीं रहा था। कुछ लोकल मिल रहे हैं यहाँ पे, 1300 में नहीं मिला, 1400 में मिला, तो और बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसने बताई हैं कि इंक्लूडेड है, तो मुझे लगता है वर्थ इट है, लेट्स सी क्या है पता लगेगा। तो इसको मैंने बुक कर लिया है 2 दिन के बाद, सो इसको मैंने बुक कर लिया है ट्यूसडे के लिए, मतलब आज है संडे, मंडे के दिन मैं सोच रहा था स्कूबा डाइविंग, देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज कुछ और आइलैंड टूर कर लेते एंड ट्यूसडे ये करेंगे। सो भाई साहब ये पीछे पड़ गया पैरासेलिंग के, और ये है पीछे पैटोंग बीच, फेमस टूरिस्ट एरिया, ज़्यादा उतना क्राउड नहीं है, मतलब थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, पता नहीं शायद आगे होगा क्राउड, बट यहाँ पे तो उतना क्राउड दिख नहीं रहा है। बट दिक्कत यही है भाई साहब के कपड़े ये हैं, और इनफैक्ट स्लिपर्स तक वो बैग में है, तो यार ये तो बहुत बड़ा झमेला हो गया है तो बीच सामने रख के भी जा नहीं पा रहे। तो ठीक है अभी के लिए मैंने आइलैंड टूर तो बुक कर ली, अभी थोड़ा सा देख रहा हूँ कुछ आई थिंक यहाँ पे ही घूमूंगा, पूरा पेटोंग एरिया एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने स्कूबा डाइविंग भी कल के लिए बुक कर ली, मैंने बुक किया है स्कूबा डीप करके, जो पेटोंग बीच है उसके बिल्कुल ही सामने है, बट एक्सपेंसिव है,
सिंस मेरे को स्विमिंग नहीं आती, आई थॉट मुझे ऐसी जगह लेना चाहिए जहाँ पे मतलब थोड़ा सा अच्छा इंस्ट्रक्टर हो। तो ये बंदा बोल रहा था कि मतलब 18 इयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा जो बंदा कराने वाला है, तो होपफुली अच्छा जाएगा एक्सपीरियंस। भाई साहब गेस व्हाट, इतनी खुशी आ गया भाई, फाइनली लगे ऑल सेट। और ये देखो भाई नज़ारे बीच के, ओए ओए ओए। अभी सनसेट का टाइम होने वाला है बट बादल वादल है तो दिखेगा नहीं आई गेस, बट ठीक है, आई थॉट सनसेट पहले यहाँ एंजॉय करता हूँ। सो बेसिकली ये साइड वाला बीच उतना क्राउडेड नहीं है, बाकी वहाँ देखो वहाँ पे मेन क्राउड है, देख रहे हो पूरा जितना क्राउड दिख रहा है वहीं पे दिख रहा है सारा का सारा, यहाँ पे उतना नहीं है, इट्स गुड पार्ट। बीच पे वॉक करने का मज़ा ही कुछ और है भाई, जो मज़ा आता है द एयर एंड एवरीथिंग, पता नहीं सुनाई दे रहा है नहीं, बट लुक एट दिस। सेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कब से बीच पे चिल कर रहा था, तो मतलब सोलो ट्रैवल का ये एक साइड इफ़ेक्ट है बोल सकते हैं। और बारिश आने के भी चांसेस लग रहे हैं, ऑलरेडी थोड़े बहुत छींटे आना चालू हो गए, तो आई थिंक निकलना चाहिए, कहीं ऐसी जगह रुकना चाहिए जहाँ पे शेड हो, अदरवाइज़ गीला हो जाऊँगा। सो यस, मैं ये बता रहा था कि बताता हूँ, तो हल्की हल्की बारिश चालू हो चुकी है, और मैं बेसिकली ये बता रहा था कि जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो काफ़ी लोनली सा फील होता है, लाइक यू फील लाइक अरे भाई क्या करूँ, ऐसे ही मतलब बैठा रहूँ क्या करूँ। वो तो क्या है, दोस्त होते हैं तो आप चिल करते हो उनके साथ, थोड़ा मजाक मस्ती होता है, कुछ डीप थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, बट या अकेले ट्रैवल करते हो तो यू आर देयर विथ योर ओन थॉट्स एंड somehow I was not getting any thoughts, बस मुझे ऐसा था कि बैठा रहूँ, ये तो बारिश आ गई इसलिए उठना पड़ा, बट आई वॉज लाइक इधर आराम से बैठता हूँ मैं और मेरे ख्याल। लिया मैंने ये मैंगो शेक जो कि पड़ा 50 भाग का, बहुत अच्छा है, मतलब फुल थिक है, मज़ा आ गया, अमेजिंग, सही टेस्ट है, बिल्कुल बढ़िया। ये यहाँ की रेनबो स्ट्रीट, बस कुछ नहीं है, ऐसा रेनबो सा बना के बस थोड़ी सी पेंटिंग कर दी है, अच्छा लग रहा है।
बनाना न्यूटेला रोटी। बेसिकली यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेट्स ट्राई इट आउट। सही है भाई, बनाना न्यूटेला और वो रोटी वाला क्रंच बहुत मस्त है। आई वुड से रिकमेंडेड। 80 बात लिया उन्होंने तो पेट भर जाएगा मेरे को लगता है इससे। अच्छा टेस्ट है, सच बता रहा हूँ भाई। वो रोटी खा के मन तृप्त हो गया, मतलब मज़ा आ गया और पेट भी भर गया। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, खा सकते हो। मतलब ऐसा है कि समझो एक डोसा है, डोसे को मीठा बना दिया, बट इट वॉज टेस्टिंग गुड। ऐसा नहीं है कि जो आजकल इन्वेंशन है चॉकलेट डोसा वगैरह सब चीज़ निकाला जाता है, वैसा नहीं है। इट्स बेटर। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था खाली एक बैगेज के मिसहैप के अलावा। तो यस, अगर वो ना होता तो देन एवरीथिंग वुड हैव बीन गुड। व्लॉग के लिए बस इतना ही। कपड़े चेंज कर लिए मैंने, अभी सोने की बारी है। सुबह स्कूबा डाइविंग, होपफुली इंशाल्लाह जल्दी उठ के जाएंगे 7 बजे।